न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। मैडम, ये जो रोड के बारे में जितनी भी तकलीफें थी, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रोड तो बहुत टाइम से नहीं छुआ था। एक हमें ये एरिया काफी 20 साल हो गया था। 20 साल में एक टाइम रोड बना था। 15 साल से तो रोड इस दाल को नहीं थे। वो वास्ते होगो इस बार मैडम आने के बाद है ना, मैडम ये एरिया का आने के बाद मैडम को तो देखो नहीं थे हमें, लेकिन मैडम काम करा लेको थे। ये एरिया को ईजड़ी का काम कराए थे। फिर हमना मेन चेंबर का काम, उसका बहुत प्रॉब्लम था हमना। पूरा वास्ते हो कोई नहीं, उसका भी क्लियरेंस हो को है। अब रोड भी काम करा को ही। दूसरा क्या बोले तो पानी की सहूलत आगे भी कर को दी। एक दिन छोड़ को एक दिन आता था पानी, अब रोड डेली आ रहा है पानी। लेकिन मैडम आने के बाद है नहीं, ये एरिया इंप्रूवमेंट हो को है हमारे हिसाब से। क्या बोलते माशाल्लाह बहुत बहुत हो को है। अब कचरे वाले का भी एक क्लियरेंस कर को दी उन्होंने। डेली 2 दिन में एक बार कचरे वाले भी आती और रोड भी साफ सफाई प्रक्रिय सभी। मैडम का बहुत शुक्रिया। आपको जब तकलीफ आती है किसको बोलते हैं आप? हमें गलती कर डाले क्या बोले तो हमें मीडिया वाले को बुला डाले थे हमें। वो उस बारे में है नहीं, माफी चाहती हूँ मैं। बोले तो मीडिया वाले को बुला को हमें मैडम के बारे में जरा और पंडू भाई के बारे में जरा गलती से बोल डाले थे। उसके वास्ते ही नहीं सब मीडिया वाले के सामने माफी मांगती। लेकिन गए साल हमें बोले सोचते इस साल हमारे एरिया अच्छा इम्प्रूवमेंट हो को है, काम भी हो को है। सभी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। आपको कांटेक्ट कौन करते रहते हैं? मुझे कांटेक्ट चंदन करती हूँ। सो मैं हमेशा चंदन को जो भी है ग्रुप में चंदन को डालती हूँ, और नहीं तो डायरेक्ट उनको कॉल करती हूँ। और हमने एरिया में पानी आया नहीं तो चंदन कुछ हमें बोलने का टैंकर भेज को देती हमने। और यहाँ क्या भी प्रॉब्लम है फर्स्ट चंदन को मैडम को भी बोलती इन्फॉर्म करती ग्रुप में मैडम के वास्ते, सर के वास्ते। सर भी है नहीं बोलती ना माशाल्लाह, सर भी हमेशा चंदन के साथ आते रहती। क्या तभी प्रॉब्लम है या तभी कुछ नहीं करने से भी है ना, चंदन भी सर आते चाहिए एरिया में। और हमें भी है ना मीडिया वाले को बुलाने वाले ही कई बोले तो हमारे तरफ से मैडम को है नहीं एक हमारे तरफ से इज्जत ये करने का है वो वास्ते हो को। ದಯ ಸರ್ ಅವ್ರ ಶಮೆ ಹಚ್ಚಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬೇಜಾರ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ರಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಡಿಲೇ ಆಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಶಮೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೇ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ This condition of this road was very, very bad the last 10 to 14 years. We had approached the corporation authorities several times. But when madam was approached, she took initiative. Though there was a delay due to corona and other lockdown, finally this road has been repaired and the residents of this area are very, very thankful for the efforts taken by the local corporator. In assistance with Mr. Chandan Ali. Chandan Ali was the most resourceful person of this area. Whatever problem was there, we used to call and tell him, we used to try his level best to attend. Finally, today this road has taken a shape and I sincerely thank the corporator, area corporator, Mr. Chandan Ali and the residents of this area for their efforts in setting right this problem. Thank you very much. ये रोड घर का ये बंद करने 15 साल हुआ था। 10-12 साल से कम से रस रोड का ये प्रॉब्लम था जी। मैडम आई बात हो कम से रस 3 साल में यूजीडी का प्रॉब्लम ये रोड का यूजीडी का प्रॉब्लम क्लियर करके दिया मैडम। और दूसरा क्या करके बोले तो रोड का जो था ना रोड का प्रॉब्लम भी क्लियर करके दिया। और इसमें मैडम आई बात हो कुछ हकामा हो गई हमारे ये रोड के। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम को हमारे एरिया के कॉर्पोरेटर को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और चंदन लेने लिए भी बहुत बहुत हमारे को से भी कंप्लेंट्स रहे तो अटेंड करते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा। कचरे की गाड़ी आ रही है क्या? आ रही है सब कुछ भी तकलीफ नहीं है आप लोगों को? यूजीडी का प्रॉब्लम रोड का प्रॉब्लम सब अच्छा क्लियर कर पाती हैं अच्छे काम हो पाए। मैं हमें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैडम। सर आपका नाम? मेरा नाम सैयद फैरोज जी। भैया वार्ड नंबर 11 में रहने का जी। और ये वार्ड नंबर में हमारे जो कॉर्पोरेटर जो है ये कारपेट यहाँ के एरिया के। और ये जो रोड में क्या है बोले तो 15-20 साल के ऊपर हो गया था ये जी। ये रोड का काम क्या भी हुआ नहीं था ये जी। हमें तो आज तक देखे नहीं थे। 15 साल पहले हुआ था कहते रोड में खाली मट्टी का रोड था ये, मगर ये
पहले जितने भी आए ऐसा जो वापस आके चले गए, उन भी आकर कॉर्पोरेट ट्रंप से ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं। इस बार इन्होंने आने के बाद क्या बोल रहा है, तो इंटरेस्ट लेने के बाद क्या रहता, हमारे पूरे ई जोड़ी का काम करा है, पूरा रोड में पूरा पानी की पूरी तकलीफ ये हो जाए, पूरा चैम्बर सब भर जा, पूरा तकलीफ हो गई थी, पूरा ई जोड़ी का काम करा है, अब ये रोड का भी काम करा डाले, और पूरा क्या लेते हो कचरे की गाड़ी का कॉर्पोरेशन से जितने भी कचरे गाड़ी डेली आना करना, और पानी की सहूलत है जी, पानी की सहूलत है पूरा माशाल्लाह, पूरा जो मैडम हमारे गुस्सा का जो है आने के बाद क्या करे, पूरा काम करवा ले इंशाल्लाह। हमारे एरिया में तो इन्होंने अभी इसके बाद तो फिक्सिच हो गई ना हर एरिया में, हमारे एरिया में तो अभी फिक्सिच कॉर्पोरेट रहे, इसमें तो पूरा काम तो करवा लिया, जो इंसान जो काम करता उनकी हमें तारीफ करना, क्या बोलूँ इंशाल्लाह उन्होंने अच्छा काम करी, और उनके जो असिस्टेंट चंदन वो जो उन्होंने भी क्या बोलते वक्त जरूरत में आती क्या होना कोई क्या तकलीफ है कुछ नहीं, हमारे साथ उनके हस्बैंड भी, उनके हस्बैंड भी जगन्नाथ उन्होंने भी क्या होता है हमें कभी भी फ़ोन करे तो आती क्या प्रॉब्लम है किधर है उसका बात पूछती, मगर क्या है बोले तो जो भी है इन्होंने कॉर्पोरेट होने के बाद हमारे एरिया के आने के बाद एक हर चीज़ की क्या बोले तो सहूलत है कि कर रहे मगर काम कर रहे जी, मेन बात वही है सर, मेन क्लीन से पूरा काम कर रही, हर तकलीफ से भी ये कर ले कोई इन शाला उनको भी अच्छा रखेंगे, सब उनसे उनको भी अच्छा रखेंगे, काम सच काम करते रहेंगे, हमारा प्यार मोहब्बत उनको रखी थी इन शाला। वही इस बार तो हमारे एरिया में तो इन्होंने फिक्स ही चल, अब इनको जाने देते नहीं, हमें उसको लगता हमारे मैडम की एरिया में फिक्स है, जब तक हुई जब तक हमारे पास ही जाना है काम कर लेंगे। के वी न्यूज़ की बात करने के लिए धन्यवाद सर। आपका नाम? सैयद रफीक अहमद। कहाँ के रहने वाले सर? मैं मंडिया का रहने वाला, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर होकर रिटायर्ड होकर इधर 2007 से इधर हूँ मैं जी। राजू नगर। आपका घर कहाँ रहता सर? 346 राजू नगर फर्स्ट स्टेज जी। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 11 जी। क्या बोलना चाहेंगे सर? मैं जब हमारा पुष्पलता जगन्नाथ जब यहाँ इलेक्शन के लिए आए, थोड़े हमारे प्रामिसेस थे, डिमांड्स थे। पहला डिमांड क्या बोले तो ये रामत नर्सिंग होम के सामने हर दिन एक्सीडेंट्स होते थे, हमें उनसे रिक्वेस्ट करे कि वहाँ पहले लाइट दलाओ, बहुत एक्सीडेंट्स हो रही बोल को, उन्होंने उधर लाइन नहीं है कि बोल के तब का कई भी बोले हमको बुला को एडिशनल लाइन दला को एक ये लाइटा दला को दिए एक। दूसरा यहाँ लाए रामजद के घर के पास पूरा सैनिटरी प्रॉब्लम रखो, सैनिटरी प्रॉब्लम था तब तब सब ब्लैक हो जाको, आदमी को बहुत तकलीफ थी, हमें उनसे वो एक दरख्वास्त करे, उन्होंने पूरे इंजीनियर बुला लगा खड़को पूरी सैनिटरी लाइन बना को दिए। बाद में ये रोड का जो काम है ये था पेंडिंग था, हमें उनसे रिक्वेस्ट करे वो काम भी करे, और जो जो भी ये हमारी मस्जिद के सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम था वो सैनी ये ड्रेनेज का पूरा मस्जिद सर मेम्बरा मस्जिद के सामने जी, इतना बड़ा काम कर को दिए कि हम भूल नहीं सकती, इनके एहसान हमारे ऊपर बहुत कुछ ही, हमारे आदमियों से बढ़कर हमें जो भी हमारी तकलीफ है हमें कॉल करे तो इमीडिएटली आको कनेक्ट कर को सबसे इंजीनियरों के साथ आको खड़को दे रही, उनके काम से वार्ड के लोग से बहुत खुश हैं। मैं भी एक रिटायर्ड ऑफिसर होते हुए जब भी कॉल करता हूँ बाइज्जत आको घर कने आको बुला को पूरे काम अटेंड कर को दे रही, अगर हर कैंडिडेट ऐसा काम करे तो बहुत तरक्की होती है वाड़ा की, बहुत इम्प्रूवमेंट हुए इन के बाद पूरे काम हुए। अब अपने से नहीं हुआ तो भी जाके अगर MLA साहब से होना है तो उनसे जाके रिक्वेस्ट करके करा रही, बहुत कुछ कर रही, हमें उनके शुक्रगुजार हैं। सर कचरा आकर लेके जा रहे हैं सर? कचरा को सवेरे आके लेके जा रहे हैं जी। पानी की सब सहूलत है, हर चीज़ जो भी हमारा कंप्लेंट है इमीडिएटली इंडिविजुअल कंप्लेंट सुनको इंजीनियरों के साथ आप कर खड़को पर हमारा काम करा को, और ये फीडबैक ले रही हमारे से वो काम हुआ नहीं बोल को। केवीन इसको बात करने के लिए धन्यवाद सर।